हेलो गाइस एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं हूँ शिमला चंडीगढ़ हाईवे पे, आई एम एट शिमला चंडीगढ़ हाईवे और आई एम ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर्स फार फ्रॉम शिमला। मैं 2 से 2.5 घंटे दूर हूँ शिमला से और यहाँ पे लग गया है जाम, क्योंकि आप देख सकते हो बहुत बड़ा जाम है। ट्रैफिक जाम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये सड़क का काम चल रहा है, हाईवे सदियों से बन रहा है मेरे हिसाब से। यार मेरे को ऐसा लगता है मैं जब पैदा हुआ था तब से बन रहा है और अभी तक बना ही नहीं आ रही है, आज तक कंप्लीट नहीं हुआ इनसे यार। और इतना डेंजरस बनाया है इन्होंने, बारिश में आना इसमें इतना मुश्किल होता है। अभी तो कोई बारिश नहीं हुई है, कुछ नहीं है, उसके बावजूद यहाँ पे ये क्रेन से कुछ आज रोड ब्रॉडनिंग का काम कर रहे हैं। एनीवेज जो भी है, तो यहाँ से मैं जाने वाला हूँ अब सीधा हरिद्वार, बट उससे पहले अब यहाँ रुका हूँ। ये एक अकेला मैकडी है जो कि जाबली में है, चंडीगढ़ से 2.5 से 3 किलोमीटर 3 घंटे दूर। दिस इज़ दी ओनली मैकडोनल्ड्स ऑलमोस्ट 2 आवर्स 30 मिनट्स फार फ्रॉम शिमला, दी ओनली मैकडी। शिमला में कोई मैकडी अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे जब भी जाता हूँ तो मुझे मैकडी का बर्गर बहुत पसंद है, तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, खाता हूँ। साथ ही में ये सवॉय ग्रीन्स है, ये फूड कोर्ट है, होटल भी है, साथ में इनका एक टिम्बर ट्रेल भी है, तो जहाँ से आप ये सामने लगी हुई है, जहाँ से आप ऊपर जा सकते हो, कहीं गॉड नोज़ कहाँ ऊपर जा सकते हो आप, बट यहाँ खुला पार्किंग का स्पेस है, एम्पल अमाउंट ऑफ पार्किंग स्पेस। अब यहाँ से पहुँच गए हैं इमली खेड़ा। तो फ्रेंड्स मैं हरिद्वार जा रहा हूँ और ये इमली खेड़ा जो है, बीच का मैंने रास्ता आपको दिखाया नहीं, ये जो ढाबा है ये बिल्कुल नज़दीक में है इमली खेड़ा, ऑलमोस्ट क्या 30 से 40 किलोमीटर होगा सिर्फ हरिद्वार यहाँ से। मैं शिमला वाले रूट से आया हूँ अभी, तो मैं आपको बता दूँ यार, मेरा ना खाने का एक्सपीरियंस जो है यहाँ का जो फूड है वो एक्चुअली अच्छा था, और मैं आपको आगे आने वाले व्लॉग्स में बताऊंगा कि मेरा आगे का खाना जो मैंने खाया वो कहाँ था। पर मैं बता दूं आपको, ये इमली खेड़ा में पड़ता है, आप नाम इसका मेरे वीडियो में अच्छे से देख सकते हैं। तो इफ़ दिस प्लेस फॉल्स इन इमली खेड़ा एंड द प्लेस इज़ रियली गुड, फूड वाज गुड एक्चुअली। और अब आप देख रहे हैं कि मैं शिमला से हूँ, तो मेरे लिए बड़ा इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस जब रोड सीधे होने लगते हैं, सड़कें धीरे धीरे सीधी होने लगती हैं, तो मैं ब्यूटी साथ में बड़ा इन्जॉय करता हूँ, क्योंकि शिमला में आई एम हिमाचली, तो हिमाचल में कहीं भी ऐसी सड़कें नहीं है जहाँ पे इतनी ज़्यादा सीधी हों, तो आई एम इन्जॉइंग दिस। तो यहाँ से मैं अब पहुँचूँगा सीधा ही हरिद्वार और लेके चलूँगा सीधा आपको गंगा जी के दर्शन के लिए, और वहाँ पे करेंगे आरती। तो आपको बता दूँ शिमला से जो हरिद्वार है ऑलमोस्ट 294 किलोमीटर्स है, 294, लगभग 300 किलोमीटर पड़ता है आपको शिमला से। सो इट्स ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स फ्रॉम शिमला टू हरिद्वार। हरिद्वार फॉल्स इन उत्तराखंड, ये उत्तराखंड में है। और हरिद्वार हम क्यों जाते हैं, तो आई एम श्योर इफ़ यू आर एन इंडियन सो आपको हर एक को पता होगा हरिद्वार हम क्यों जाते हैं। वैसे तो हम गंगा जी के दर्शन के लिए जाते हैं, बट उसके सिवा हम, ऐसा माना जाता है कि जब हम मर जाते हैं तो उसके बाद हमारे जो घर में या किसी की डेथ हो जाती है, तो हम उनकी अस्थियां लेके, अस्थि प्रवाह करने के लिए यहाँ पे घाट बने हुए हैं, गंगा जी में प्रवाह करने के लिए यहाँ लेके जाते हैं। ऐसा माना जाता है यहाँ प्रवाह होने के बाद अस्थियां आपको मोक्ष प्राप्त होता है। तो ये वो गंगा है जो शिव की जटाओं से निकल के यहाँ तक आती है, तो ये बहुत ही पवित्र स्थान है। द प्लेस इज़ वेरी वेरी होली, प्लेस इज़ रियली ब्यूटिफुल। और मैं अभी गंगा जी पहुंच चुका हूं, बिल्कुल घाट के पास हूं। यहां आपको बहुत बड़ी पार्किंग मिलेगी, मैंने होटल नहीं लिया अभी, होटल इसके बाद ढूंढना है, तो आप मेरे साथ चलना और बताऊंगा होटल हमने कहां लिया। अभी के लिए मैं सिर्फ आपको घाट पे लेके जा रहा हूं। तो ये एक ब्रिज है जो कनेक्ट करता है सीधा हर की पौड़ी से। हर की पौड़ी वो जगह है जहाँ पर यूजली हर दिन शाम को जो है गंगा माता की आरती होती है, और यहीं पे मेन घाट भी हैं, और यहीं के आसपास सारे घाट हैं। कुछ घाटों पे नहाते हैं, कुछ पे अस्थियाँ प्रवाह होती हैं, कुछ पे बाल काटे जाते हैं। तो यहाँ काफ़ी सारे ऐसे घाट हैं जो आपको नेक्स्ट डे भी दिखाऊंगा। तो अभी के लिए सीधे चल रहे हैं, तब तक एंजॉय करो और व्यू देखो, और देखो गंगा जी के दर्शन। माना जाता है गंगा जी पूरी नदियों में सबसे ज़्यादा पवित्र नदियों में से मानी जाती है, तो इसके दर्शन करो। और अगले वीडियो में मैं आपको गंगा जी की आरती भी ज़रूर दिखाऊँगा। सो प्लीज़ जो नए हैं मेरे चैनल पे, मैं इसी तरह के ट्रैवल ब्लॉग्स बनाता रहता हूँ, अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू हिट सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।
Thank you.